नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज। मैं हूं विमल। आइए जानते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। आज सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नसरुल्लागंज अंतर्गत ग्राम लाडकुई हेलीपैड पहुंचे, इसके बाद किया नवनिर्मित कॉलेज का लोकार्पण, फिर ग्राम भिलाई पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी ढोल बजाकर आदिवासी नृत्य किया। आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तीर कमान भेंट किया। वहीं मंच से नीचे उतरकर शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों बालिकाओं को देख मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी नृत्य किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में बोले, शुद्धखोरों की खैर नहीं, मैं जनता का सेवक हूँ। कलेक्टर SP भी सेवक बनकर कार्य करे, अधिकारी बनकर नहीं। वही किसानों को नर्मदा जल योजना के माध्यम से सभी किसानों के खेत तक पानी पहुंचने का कार्य शिवराज की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाने का कार्य सरकार ने किया। वही भाजपा की सरकार का गरीबों का कल्याण, किसान का उद्धार, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर बोले, किसी ने बहन और बेटियों के साथ अत्याचार की तो मामा से बुरा कोई नहीं होगा, इसके लिए एक कानून भी बना रहा हूँ। कलेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि गरीबों का कार्य समय पर होना चाहिए। वहीं मीडिया से चर्चा में कहा कि पिछले 15 महीने में कांग्रेस ने इन जनजाति भाइयों बहनों पर बड़ा अत्याचार किया, उनकी जमीनें छीनने की कोशिश करी थी, मुकदमों में फंसाया गया, ट्रैक्टर पकड़े गए, आज हमने वनाधिकार में पट्टे गरीबों की दिए। कुछ लोग बाहर से आके गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग लालच भय प्रलोभन धर्म परिवर्तन का चक्कर चला रहे हैं। अगर किसी ने दबा के लोग लालच दे गए किया तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। बीच में डैम बना तो जमीन इनको आई थी। आदिवासी भाई बहनों को पैसा मिला कौन से गांव में? लावा पानी, आंवला पानी। अब पता नहीं कहां की साईं वाली कौन सी कंपनी आ गई, साईं प्रसाद नाम, साईं प्रसाद पढ़ने के लिए डाकू, पैसा ढाका बनकर। चिंता मत करना, ये कलेक्टर ठहरे हैं, सबकी प्रॉपर्टी मैंने, सबकी प्रॉपर्टी नीलामी में लगा दिए, नीलाम करके पैसा दिलवाऊंगा, गले में हाथ डाल के गरीब का पैसा निकाल के लाऊंगा। उनको सक्रिय करना है। देखो यार कलेक्टर कमिश्नर सारे अफसर खड़े हैं और सुन लो, ये सब सेवक हैं तुम्हारे सेवक। मैं मामा के, जब मामा सेवक है तो बाकी सब भी सेवक है। इन महिला स्व सहायता समूह की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग करके इनको काम धंधों से लगाया जाएगा। उनको पट्टा देके वनाधिकार देके जमीन का मालिक बनाने का कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है गरीब का कल्याण, किसानों का उत्थान, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार की व्यवस्था सबके लिए हो, क्योंकि वो सबका अधिकार है। पिछले 1.25 साल में कांग्रेस के सरकार ने इन जनजाति भाई और बहनों पर बड़ा अत्याचार किया, इनकी जमीनें छीनने की कोशिश हो रही थी, मुकदमों में फंसाया गया, ट्रैक्टर पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी ने उस अन्याय को दूर किया है और आज वनाधिकार के पट्टे वितरण के साथ बाकी भी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपने बहनों और भाइयों को दिया है। ये सब आगे बढ़े यही इनकी तमन्ना है और मैं इनका सेवक हूँ। आपने देखा बड़े आत्मीयता भरे परिवार के माहौल में आज का ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। थैंक यू सर, धन्यवाद। देश के पहले स्वच्छता के जनक महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेनपुर गांव में जन्मे संत गाडगे महाराज ने स्वयं इस मार्ग पर चलकर हमें जागृत किया है।
हमारे समाज को भी स्वच्छता का संदेश दिया है। यह बात रविवार को आयोजित संत गाडगे महाराज के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय धोबी महासंघ की वरिष्ठ युवा इकाई के पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में कही। इंदौर नाका स्थित धोबी घाट पर समाजजनों की उपस्थिति में पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही श्यामपुर दौराहा में भी पुण्यतिथि मनाई गई, जहां पर संत गाडगे महाराज के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इसी दौरान 23 फरवरी को आयोजित होने वाले संत गाडगे जयंती को लेकर भी रूपरेखा तय की गई। बताया कि लगातार तीसरे वर्ष भी समाज के लोगों की उपस्थिति में भव्य आयोजन किया जाएगा। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर तरोताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 न्यूज। नमस्कार।